Welcome back. Hopefully you have completed all the previous activity. So now let's move to the selection of objects. Multiple methods can be used for selection of objects, like using the pick modes, window selection, crossing window, and the let's go window. So now let's discuss one by one all these things. So first of all, let's discuss the pick modes method. Pick modes method jo hai basically uske andar aap apne ऑब्जेक्ट्स को विद द हेल्प ऑफ पिक एंड कमांड्स के जो बिहेवियर है उसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं और इसकी सेटिंग के लिए अगेन आप सिस्टम सेटिंग के लिए इसमें 0, 1 और 2 के साथ इसके डिफरेंट बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उसी तरीके से आप ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को. तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट. सबसे पहले मैं सिलेक्ट की कमांड यूज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ. अब मुझे अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसे मुझे सिलेक्ट करना है. तो ये देखें जी, ये मैंने अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ये मैंने अपना सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, मैंने थर्ड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और प्रेस एंटर किया और ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है व्हाइल एग्जिट द कमांड. अब ये जो बिहेवियर है इसकी सिलेक्शन का, ये कंट्रोल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पिक एड कमांड. तो हम यहाँ पे सिस्टम पे पिक एड की कमांड लिखता हूँ कमांड लाइन में और एंटर प्रेस करता हूँ. अभी इसकी सिस्टम में वैल्यू जो है वो 2 है. सो नाउ लेट्स चेंज इट टू 0 एंड प्रेस एंटर. नाउ अगेन आई एम टाइपिंग द सिलेक्ट कमांड एंड नाउ आई सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट. आई सिलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड देन मूव टू सिलेक्ट फॉर द सेकंड वन. नाउ यू विल नोटिस जैसे ही मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट डी सिलेक्ट हो गया. अब जब मैं थर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये डी सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया. तो पिक एड 0 कमांड की मदद से जो आपका लेटेस्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है वो सिलेक्टेड रहता है और जो रिमेनिंग जो मतलब बिफोर आपने सिलेक्ट किया था वो डी सिलेक्ट हो जाता है. सो नाउ लेट्स चेंज द वैल्यू ऑफ पिक एड टू 1. अब मैं दोबारा से सिलेक्टेड कमांड लिखूंगा, एंटर करूंगा और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा. यू विल सी ऑल द एलिमेंट्स विच आई एम सिलेक्टेड इज रिमेन सिलेक्टेड. जो भी एलिमेंट्स को मैंने सिलेक्ट किया है वो सारे सिलेक्टेड है. अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगा यू विल सी ऑल द एलिमेंट आर डी सिलेक्टेड. तो पिक एड 1 की मदद से क्या होगा जी, आपका ऑब्जेक्ट सारे सिलेक्टेड रहेंगे जो आप ड्यूरिंग सिलेक्शन करेंगे, लेकिन जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो सारे डी सिलेक्ट हो जाएंगे. सो नाउ लेट्स मूव टू द पिक एड लास्ट एट्रीब्यूट वैल्यू दैट इज 2. तो ये अभी हमने वैसे पहले भी किया सिलेक्ट और नाउ आई एम सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर एंड यू विल सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर रिमेन सिलेक्टेड. नाउ लेट्स आई वांट टू रिमूव दिस सर्कल. सो व्हाट कैन आई डू, सिंपली सिलेक्ट बस सिलेक्ट द कमांड, select the objects and now click shift R. और ये मैंने क्लिक किया जी और ये मेरा ऑब्जेक्ट डी सिलेक्ट हो गया और रिमेनिंग सिलेक्टेड जो है वो सिलेक्ट ही रहेंगे. अब अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करना है तो मुझे A टाइप करना पड़ेगा अपने सिलेक्शन ग्रुप में. तो मैं A टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ और ये देखिए आप मेरा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा. तो आप यूजिंग द सिलेक्शन कमांड पिक ऐड के बिहेवियर के साथ साथ ऐड और रिमूव, जिसकी शॉर्टकट की A फॉर द ऐड एंड R फॉर द रिमूव है, वो भी आप यूज करते हुए अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका गलती से सिलेक्ट हो गया. सो सिंपली प्रेस द एस्केप की तो सब एलिमेंट्स आपके डी सिलेक्ट हो गए. अब अदर जो मेथड है जी आपके पास वो क्रॉसिंग विंडो और सिलेक्शन विंडो के साथ है जो हमने इस लिस्ट में डिस्कस किया था. तो विंडो सिलेक्शन में क्या है जी, आप अपनी विंडो को राइट साइड पे ड्रैग करेंगे. तो मैं अपनी विंडो को ये देखते हैं, तो ये देखें ये मैंने राइट साइड पे विंडो को ड्रैग किया तो इसका बिहेवियर ब्लू होगा और जब मैं इसको लेफ्ट साइड पे करूँगा तो ये ग्रीन विंडो है जिसको हम क्रॉसिंग विंडो कहते हैं. अब दोनों विंडो में फ़र्क क्या है जी, सिलेक्शन विंडो में क्या होता है जब मेरी विंडो में से कोई ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली पास ऑन करेगा तभी वो सिलेक्ट हो रहा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा जैसा कि आप देख सकते हैं. अब मैं
कंप्लीट इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा तो ये देखिए मेरे दोनों सर्कल वो सिलेक्टेड हो गए। इसी तरीके से अब अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे सिलेक्ट करूंगा जिसको हम क्रॉसिंग विंडो कहते हैं, तो आपकी विंडो जो है कोई भी एलिमेंट मतलब अगर स्लाइड सा भी पास करेगा, देखिए जैसे यहाँ पे शेप पे सारे एलिमेंट पास नहीं हो रहे, कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं पास हो रहा, एक पोर्शन पास हो रहा, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिलेक्शन और क्रॉसिंग विंडो है। और लेस्को विंडो क्या है जी, जो आप क्लिक एंड होल्ड बटन की मदद से सिलेक्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट। और अगर मैं सिलेक्ट इट मार देता हूँ तो ये जो विंडो आ रही है ये मेरे पास लेस्को विंडो है, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ वो ही मेरे पास सिलेक्टेड रहेगा। तो ये हमारे पास सिलेक्शन के मेथड थे जी। तो लेट्स मूव टू द ड्रिप बॉक्सेस। अब ड्रिप बॉक्सेस क्या होते हैं? बेसिकली ड्रिप बॉक्सेस आपको अलाउ करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को क्विकली मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करने लगूं। अब देखें जब मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे तीन बॉक्सेस नजर आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं ड्रिप बॉक्स। अब जो सेंटर वाला ड्रिप बॉक्स है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अपने इस लाइन को मैं मूव कर सकता हूँ अप एंड डाउनवर्ड, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं राइट साइड पे मतलब जो मेरा लेफ्ट पिट बॉक्स है इसको मैं मूव करता हूँ तो ये देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, मतलब इसको एक पॉइंट से इसकी लाइन की लेंथ को कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ और किसी एंगल पे भी लेके जा सकते हैं। सिमिलरली जो राइट ग्रिप बॉक्स है इसकी मदद से भी आप यही काम करें, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास ग्रिप बॉक्स जिसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को क्विकली मॉडिफाई कर सकते हैं। फर्दर इसकी रिलेटेड जो मॉडिफिकेशन की डिमांड है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फ्यूचर ट्यूटोरियल्स हैं उनके अंदर कवर करेंगे। तो अगर मेरी लाइन सिलेक्टेड नहीं है तो वो बिल्कुल इस तरीके से नजर आएगी जैसा कि आपको अभी नजर आ रही है। जब मैं सिलेक्ट करूंगा तब मुझे यहाँ पे ड्रिप बॉक्सेस नजर आएंगे, ठीक हो गया जी। आप अपनी इस लाइन को राइट क्लिक करके भी फर्दर इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, अपनी लाइन को रिपीट करना है, रीसेंट इनपुट ऐड करनी है, ट्रिप बोर्ड मतलब कट कॉपी पेस्ट एक्सेट्रा, तो ये सब चीजें भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ड्रिप बॉक्स का जो साइज है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी कमांड है हमारे पास ड्रिप साइज। और यही ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स आप अपने एप्लीकेशन बटन पे जाके और ऑप्शंस पे क्लिक करके या फिर सिस्टम पे राइट क्लिक करके ऑप्शन से भी असेस कर सकते हैं। दिस टाइम जो है मैं ड्रिप जो साइज है इसकी मदद से इस बॉक्स को ओपन करता हूँ। तो अभी देखें यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गई है एंटर न्यू वैल्यू फॉर ड्रिप साइज, बाय डिफॉल्ट ये 5 है। अगर मैं इसे 6 करके एंटर कर देता हूँ तो ये देखें मेरी इस ड्रिप बॉक्स की जो साइज है वो 6 हो चुका है। अगर मैं दोबारा इसी कमांड पर रिपीट करूँ और लेट्स से इसको मैं 15 कर देता हूँ, अब आप देखें मेरे ड्रिप बॉक्स का साइज इंक्रीज हो गया। बट मेरी आपको यही सजेशन है कि जो बाय डिफॉल्ट साइज है वो एक कन्वीनियंट है स्क्रीन पे अपीयर होने के लिए, तो आप उसी के साथ ही जाएं। खैर अगर आप ऑप्शन जो भी क्लिक करते हैं तो आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं, लाइक आप क्या जाएंगे सिलेक्शन, ये ड्रिप साइज है और आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं अपने साइज को। इसी तरह से आप पिक एड जो इससे पहले मैंने कमांड पढ़ाई है उसके साइज को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आई रिकमेंड यूज द डिफॉल्ट सेटिंग। नाउ लेट्स कम टू द प्रिंटिंग। प्रिंटिंग से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इस अभी स्टेज के ऊपर मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा कि आप ऑटोकैड की मदद से प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं। इसका डिटेल जो एक मॉड्यूल है कि लेआउट और पेपर स्पेस की मदद से आप किस तरीके से अपनी प्रिंटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो हम फ्यूचर की ट्यूटोरियल्स के अंदर कवर करेंगे। अभी हम जनरल सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे प्रिंटिंग का। तो प्रिंटिंग क्या है जी, जो भी आप अपने रीजन को सिलेक्ट करेंगे फॉर द प्रिंटिंग, जब आपने प्रिंटिंग करनी होगी तो वो आपको डिफरेंट बिहेवियर के थ्रू उसके प्रिंट को शो करेगा। तो वो रीजन हमारे पास 4 तरह के हैं जी, डिस्प्ले, स्टैंड, लिमिट्स एंड द फाइनली विंडो। तो वन बाय वन हम इन सबको देखेंगे कि किस तरीके से ऑटोकैड की प्रिंटिंग का बिहेवियर चेंज होता है बाय चेंजिंग दीज ऑप्शंस।
यहाँ पे आप देखें जी, स्क्रीन पे मेरे पास एक ड्राइंग बनी हुई है, और ये अभी बाय वो ड्राइंग है जो आपने ऑटोकैड की स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है। तो जब मैं अपनी सेटिंग को डिस्प्ले करूँगा तो यहाँ पे आपका जो प्रिंट है वो इस तरीके से नजर आएगा, जिसमें पूरी ओवरऑल जो शीट है आपकी ड्राइंग की वो, और उसके साथ साथ एक जो भी शेप और फर्दर जो आपने अप्लाई की हुई है ड्राइंग के ऊपर बनाई हुई है वो आपको नजर आ रही है। जब आप इस सेटिंग को इस स्टैंड पे ले जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो क्लोजेस्ट पार्ट हो रहा आपके उस ड्राइंग एरिया में से, वहां तक आपके एरिया टू मतलब ड्राइंग की प्रिंटिंग जो है आपको नजर आएगी। एंड देन जब आप लिमिट्स की कमांड अप्लाई करेंगे तो जितनी लिमिट्स आपने अपनी मॉडल की व्यू की अप्लाई की हो रही, उसी के मुताबिक आपको प्रिंट नजर आएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास विंडो है, तो हम इसको देख लेते हैं वन बाय वन। आप इनको कैसे असेस कर सकते हैं, आप अपने इस एप्लीकेशन बटन पे जाएं, पब्लिश पे जाएं, और इसके नीचे आपको प्रिंट मिलेगा। प्रिंट के अंदर जब आप यहाँ पे प्लॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये सारी सेटिंग्स को मैं कपल ऑफ मिनट्स में एक्सप्लेन करता हूँ। करंट मैं आपको इस प्लॉट एरिया के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इसमें ये आपको चार ऑप्शन नजर आ रही जो भी हमने डिस्कस की है। तो मैं जब डिस्प्ले पे क्लिक करता हूँ और प्रीव्यू देखूंगा तो ये देखें, ये मुझे प्रीव्यू नजर आ रहा है डिस्प्ले की सिलेक्टेड करके, प्रिंट और ये सा नजर आएगा। सिमिलरली जी, मैं सेकेंड ऑप्शन स्टैंड को यूज करता हूँ और फिर इसका प्रीव्यू करूंगा, और ये देखें आप मेरी जो ड्राइंग है वो किस तरीके से आपको नजर आएगी। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन, दैट इज लिमिट, और ये देखें, ठीक है। जितनी मैंने इस ड्राइंग की लिमिट सेट की हुई है उसके मुताबिक वो नजर आएगी। और लास्ट जी कस्टम ऑप्शन है विंडो की, जितना जब आप यहाँ पे विंडो क्लिक करेंगे आप अपनी स्क्रीन से अपनी इस विंडो को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये रिक्वायर्ड एरिया जो है इसकी अंदर कैप्चर हो चुके हैं ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में। प्रीव्यू करूंगा जी तो ये देखिए मुझे उस एरिया का प्रिंट नजर आएगा। ये चार तरह की सेटिंग्स होती हैं आपकी प्रिंटिंग के लिए जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शन थे, हम वन बाय वन आते हैं और फिर उनको डिटेल से देखते हैं। तो फर्स्ट कम अप विद द पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है जी? पेज सेटअप बेसिकली आपकी प्रिंटिंग की प्रेफरेंसेस हैं जो किसी भी पर्टिकुलर ड्राइंग के पेज सेटअप के मॉडल विंडो के अंदर आप असेस कर सकते हैं। ये सेटिंग जो है आपकी ड्राइंग की स्पेसिफिक मीनिंग को स्टोर करती है जो आपने उस ड्राइंग या टेम्पलेट के अंदर सेट की होनी, ये ओवरऑल प्रोग्राम के अंदर अप्लाइड नहीं होनी। और आप इसको असेस कैसे कर सकते हैं पेज सेटअप के मॉडल विंडो को जी? उसके लिए आप एप्लीकेशन बटन पे जाएं, प्रिंट पेज सेटअप, और फिर आप क्लिक कर दें मॉडिफाई पे, तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी एप्लीकेशन बटन, प्रिंट, और ये मेरे पास पेज सेटअप आ गया। और यही कमांड आप व्यू सॉरी आउटपुट पे जाए और पेज सेटअप मैनेजर के नाम पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप अपना पेज सेटअप खुद भी ड्रा कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ माई सेटअप अंडरस्कोर सेटअप, ओके किया। अब ये देखें जी मेरे सामने ये पेज सेटअप का मॉडल आ चुका है। अब ये वही प्रीव्यू है जो आपको मैंने अभी प्लॉट के अंदर दिखाया था। अब हमने इस प्लॉट एरिया को डिस्कस किया था, अब हम इस पोर्शन को देख रहे हैं पेज सेटअप को। अब ये क्या चीज़ है जी? अब इस पेज सेटअप में जो जो सी सेटिंग मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा ड्यूरिंग प्रिंटिंग, जब मैं ये पेज सेटअप सेलेक्ट करूंगा तो मेरी सारी ऑप्शन को उसी के परस्पेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। तो जब भी आपने प्रिंट निकालना है, चाहे आपके जहाँ जिस भी शॉप से आपने निकालना है, तो हमेशा प्रिंट आपने PDF में प्रिंट निकाल के करना है, चाहे आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल है आपके वर्क प्लेस पे। आपने हमेशा एरर को काम करने के लिए प्रिंट PDF में ही निकालना है। तो मैं नेम पे जाऊंगा और यहाँ पे आप DWG2PDF.PC3 की एक्सटेंशन ही हमेशा आपने यूज करनी है। अगर आप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो फर्दर आप यहाँ पे अपने प्रिंटर और उसकी डिवाइस और उसकी जनरल इन सब ऑप्शंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं PDF ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट ऑप्शन जो है मिल रही है। ये हमारे फ्यूचर के जो लेसन आएगा हमारा, उसके अंदर हम फर्दर डिटेल से कवर करेंगे इन ऑप्शन को।
अब मेरे पास है पेपर साइज। पेपर साइज क्या है जी? पेपर साइज वो साइज है जिसके ऊपर आपकी ड्राइंग में प्रिंट ऑन है। तो मैंने यहाँ पे ISO A3 लैंडस्केप का जो साइज है वो सिलेक्ट किया होगा, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे ऑफसेट भी दे सकते हैं। अगर मैं इसको सेंटर द प्लॉट कर दूंगा तो मेरी ड्राइंग जो है पेपर के सेंटर में ड्रा होगी, और इसके साथ ही मैं इसे ओके कर देता हूँ। और अब मेरी ये सेटिंग जो है इस माई सेटअप वन के ऊपर अप्लाइड हो चुकी है और वो सेव भी हो गई है। लेकिन अभी मेरा करंट जो सेटअप है मॉडल का वो माई सेटअप है, तो मैं इस पर डबल क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे सेट करंट करूँगा तो ये अब मेरा सेटअप ये सेटअप अप्लाइड हो चुका है। अब इसे मैं क्लोज कर देता हूँ तो ये मेरी सेटिंग जो है इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। तो ये सारा विंडो का एरिया जो था मैंने आपके सामने डिस्कस किया है कि पेज सेटअप, प्रिंटर, पेपर साइज, प्लॉट एरिया, सेंटर एंड सम अदर स्केलिंग ऑप्शन जो आगे हम फ्यूचर के अंदर अभी कपल ऑफ मिनट्स में एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। इसी तरह से आप इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में प्रिंटिंग का निकाल सकते हैं। अब बारी आती है जी प्लॉट की। प्लॉट जिस मतलब जिसमें आपने इसको प्रिंट निकालना है, तो मैं अगेन एप्लीकेशन बटन पर जाऊँगा, प्रिंट में जाऊँगा और यहाँ पे इस प्लॉट पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे सामने वही प्लॉट मॉडल जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, जो भी आपकी पेज सेटअप की डिफॉल्ट सेटिंग होगी वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे मैं माई सेटअप करता हूँ तो ये देखें ये सेटिंग चेंज हो रही है। जब मैं इसको माई सेटअप वन करूँगा तो ये देखें सेटिंग चेंज हो रही है। तो मतलब ये है कि आप पेज सेटअप के अंदर जाके अपनी प्रिंटिंग की सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आप उस सेटअप को पेज सेटअप को कॉल करेंगे यहाँ पे क्लिक करके, और फिर आप उसके मुताबिक उसका प्रिंट निकालेंगे। यहाँ पे कुछ फर्दर आ रहे एडवांस ऑप्शन भी हैं जो हमारे फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे, और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है आपकी प्रिंटिंग के लिए। बहरहाल अभी हम सिर्फ एक जनरल बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं प्रिंटिंग का, तो उसके अंदर हमने देखा है कि आप प्रिंटिंग जनरल जनरल मेजर मेजर सेटिंग को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मुझे उसका प्रीव्यू नजर आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये हमने अभी कवर कर लिया है। अगर ये आपका प्रीव्यू थोड़ा डिफरेंट है, आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको माइनर व्यू में नजर आएगा। जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको स्टैंडर्ड व्यू में फर्दर जो प्लॉट स्टाइल टेबल्स हैं जो कि एडवांस टॉपिक है ये आपको यहाँ पे मिलेगा। खैर इसके मदद से भी हम प्रिंटिंग कैसे कंट्रोल करते हैं ये हम सारा कुछ पेपर स्पेस और लेआउट स्पेस के प्रिंटिंग के टैब्स के अंदर जाके कवर करेंगे। तो प्रिंटिंग टू स्केल कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं जी? आप फुल स्केल के मुताबिक भी प्रिंट कर सकते हैं, जो एक्चुअल आपके ऑब्जेक्ट का साइज है आप उसका हाफ स्केल में या क्वार्टर स्केल में भी उसको प्रिंट कर सकते हैं। नॉर्मली जो है स्केलिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखी जाती है। एक है आपके ऑब्जेक्ट की स्केलिंग, मतलब जो आपने ड्राइंग ड्रा की है उसको आप किस स्केल के मुताबिक बना रहे हैं, और उसको फिर स्पेसिफाई भी करना होता है अकॉर्डिंग टू द एज़मे स्टैंडर्ड रूल कि ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 1:1 पे बना हुआ है या 1:2 पे बना हुआ है। अगर मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा तो जो भी उसको मैन्युफैक्चर करना चाहेगा ड्राइंग को या जो रीड करेगा वो उसको फुल स्केल ही पड़ेगा अगर स्पेसिफाई नहीं हो रहा, तो यही समझ रहा डिस्ट्रिक्ट इतनी लेंथ है इतनी ही मुझे चाहिए। तो आपने क्या करना है जी, आप स्केलिंग दो तरह की, अब एक तो आपकी मॉडल स्पेस की होगी और एक है पेपर स्पेस की स्केलिंग। पेपर स्पेस की स्केलिंग क्या है कि आपकी जो लार्ज ड्राइंग है उसको आपने A3 के ऊपर या A4 के पेज के ऊपर जो सेट करना है उसकी मदद से भी आप यहाँ पे स्केलिंग कर सकते हैं। एक तो फिट टू पेपर कर दें कितना पेज का साइज है, जो भी आपकी ड्राइंग का साइज हो रहा है उस पेपर के साइज के मुताबिक हो जाए, या फिर आप यहाँ पे कस्टम स्केलिंग के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ऐसे में 2:1 करता हूँ और इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये देखें अब ये उसका जो मेरा स्पेस था पेज की वो इतनी सी है, और उसके स्केल करने से मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है उसमें से कट हो गया, मतलब मेरा इतने पेज में से। ठीक है, अगर मैं इसको लेट से 1:20 कर देता हूँ तो ये देखें कितना स्क्वीज सा सिंपल सा छोटा सा नजर आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये आपके पेपर स्पेस की स्केलिंग से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे। इसी तरह से आप यहाँ पे उनको यूनिट्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं स्केल के, वो इंचज में है या मिलीमीटर्स में है। और यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी नजर आ रहा है कि प्रिंट के लिए ये आपके पास टोटल रिक्वायर्ड एरिया है। मैं इसको वापस फिट टू पेपर कर देता हूँ, प्रीव्यू करूँगा और ये देखें प्रॉपर मेरी ड्राइंग जो है वो सेट हो जाएगी। अब वो मेरी लिमिट्स थोड़ी सी उधर से डिस्टर्ब हो रही है तो मैं इसको वापस माई सेटअप वन पे ले जाता हूँ, रिव्यू करूँगा और ये देखें
तो स्केल जो है आप अपने पार्ट की प्रिंटेड जो है उसके लिए आप बताना ज़रूरी है ताकि वो क्लैरिटी और एक्यूरेसी जो है उसके अंदर अवेलेबल हो। और इवन थ्रो आ ड्राइंग जो है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप उसको प्रिंट फुल स्केल पे करें, आप उसको फुल स्केल के अलावा भी ड्रा कर सकते हैं अपने कैड के इन्वायरमेंट के अंदर, लेकिन प्रेफरेबल प्रैक्टिस यही है कि आप फुल स्केल के ऊपर ही कैड इन्वायरमेंट में अपनी ड्राइंग को ड्रा करें और फिर आप पेपर स्पेस की स्केलिंग के मुताबिक उसको अपने पेज पे सेट कर लें। तो अगर आपने कोई भी स्केलिंग यूज नहीं की तो एज मे के स्टैंडर्ड रूल के मुताबिक इट इज नेसेसरी कि आप नन का वर्ड जो है वो यूज करें ताकि जो उस ड्राइंग को रीड करें वो ईजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है जी, तो लेट्स मूव टू द प्रिंटिंग टू द पीडीएफ फाइल। तो अब आप पीडीएफ फाइल कैसे बना सकते हैं अपनी ड्राइंग की, उसके सिंपल से जो स्टेप्स हैं वो इस तरह से हैं। आप एप्लीकेशन बटन पे जाएंगे और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने पीडीएफ का बटन अवेलेबल है, इसे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे मेरे सामने ये मैं जो डायलॉग बॉक्स है सेट सेव एज पीडीएफ का वो आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक्सपोर्ट की थ्री ऑप्शन आ रही हैं, डिस्प्ले, स्टैंड और विंडो। मैं विंडो पे क्लिक करता हूँ और मैं अपनी इस विंडो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरे विंडो यहाँ पे सेलेक्ट हो रही जी। फर्दर यहाँ पे जनरल ऑप्शन आ रही है, मैं इसको ड्राइंग वन का नाम देता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ और ये मेरी फाइल जो है वो सेव हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पॉप अप में मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरी ड्राइंग जो है वो पीडीएफ की फॉर्मेट में सेव हो रही है। अगर आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो आप ओपन भी कर सकते हैं और ये देखिए जी मेरी ड्राइंग ओपन हो जाएगी। थैंक यू सो मच, इसके साथ ही हमारा पहला लेक्चर गेटिंग स्टार्टेड विद ऑटोकैड का कंप्लीट हो जाता है।